अस्सलाम वालेकुम, मैं सर मोहम्मद इरफान क्यूम और आप लोग देख रहे हैं सक्सेस प्रीचर। तो आज के स्पेसिफिक वीडियो के अंदर हम लोग उन स्पेसिफिक क्वेश्चंस को जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि इम्प्रूवमेंट के रिगार्डिंग बहुत ही ज़्यादा जो है वो इस वक्त बच्चों की तरफ से जो है वो सामने आ रहे हैं। मैं तमाम क्वेश्चन को जो है वो आप लोगों के सामने यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश करूँगा। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि हमारे पास इम्प्रूवमेंट के मेथड कौन कौन से हो सकते हैं, मतलब हम लोग इम्प्रूवमेंट जो है वो किस किस तरह से जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं। तो बेसिकली तीन मेथड्स होते हैं इम्प्रूव करने के। एक मेथड ये होता है कि आप लोग पार्ट वाइज जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं। पार्ट वाइज इम्प्रूवमेंट के अंदर क्या होगा कि आप या तो अपने पार्ट वन को इम्प्रूव कर सकते हैं मुकम्मल, या फिर आप पार्ट टू को इम्प्रूव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पार्ट वन के अंदर नंबर जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छे आए हुए हैं और पार्ट टू के अंदर आपके मार्क्स हैं वो आपको लगता है कि कम है, मुझे इस चीज़ को अकेले सेकेंड ईयर को इम्प्रूव करना चाहिए, तो आप ये कर सकते हैं कि आप अकेले पार्ट टू को इम्प्रूव कर लें। आपके पार्ट वन के मार्क्स हैं वो एज सच एज रिटेन ही रहेंगे, आप पार्ट टू को जो है वो अलग से इम्प्रूव करके अपने मार्क्स को जो है वो इंक्रीज़ कर सकते हैं। जो दूसरा मेथड होता है वो हमारे पास होता है कम्प्लीट इम्प्रूवमेंट का। कम्प्लीट इम्प्रूवमेंट को हम लोग कम्बाइंड इम्प्रूवमेंट का नाम भी दे रहे होते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि आपको पार्ट वन और पार्ट टू दोनों के दोनों ईयर्स की तमाम बुक्स को जो है वो कम्प्लीटली जो है वो आपको रिपीट करना पड़ता है। आपको 12 के 12 पेपर जो है वो दोबारा देने पड़ते हैं। तो ये वाली चीज़ है वो हमारे पास कम्प्लीट इम्प्रूवमेंट के अंदर आ जाती है, और ये उस वक्त की जाती है जब आपके साथ अल्लाह ना करे कोई हादसा हो जाता है, मतलब आपके मार्क्स बिल्कुल ही कम होते हैं, 600 700 इस तरह, और आपको लगता है कि आप जो है वो मार्क्स को 1000+ तक लेके जा सकते हैं, 980+, मतलब जैसा भी आपका टारगेट हो उसके अकॉर्डिंग जो है वो आप लोग इम्प्रूव कर सकते हैं कम्प्लीट इम्प्रूवमेंट के अंदर। थर्ड चीज़ आती है हमारे पास सब्जेक्ट वाइज इम्प्रूवमेंट। तो सब्जेक्ट वाइज इम्प्रूवमेंट के अंदर क्या होता है कि आपके फॉर एग्जांपल साइंस सब्जेक्ट्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो आपके फिजिक्स के मार्क्स भी अच्छे हैं और केमिस्ट्री के मार्क्स भी अच्छे हैं, और आप चाहते हैं कि आपने बायोलॉजी जो है वो इम्प्रूव करनी है और आपके बायोलॉजी के मार्क्स हैं वो कम है, तो आप एक सब्जेक्ट को भी जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं। लेकिन जब आपने एक सब्जेक्ट को इम्प्रूव करना होता है तो आपको फिर दोनों ईयर्स की बुक जो है वो इम्प्रूव करनी पड़ती है। लाइक अगर आपके फर्स्ट ईयर की बायो के अंदर 85 में से 85 मार्क्स हैं, या 84 83 जितने भी मतलब अच्छे मार्क्स हैं, और सेकंड ईयर की बुक में आपके 85 में से 70 65 मार्क्स हैं, और आप चाहते हैं कि आप अकेले सेकंड ईयर की बायो इम्प्रूव करें, तो ऐसा नहीं हो सकता। आपको पार्ट वन और पार्ट टू जो है वो दोनों इम्प्रूव करनी पड़ेंगे जब आपने किसी एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट को जो है वो इम्प्रूव करना है। सब्जेक्ट वाइज इम्प्रूवमेंट के अंदर आप किसी एक सब्जेक्ट को भी इम्प्रूव कर सकते हैं, दो को भी कर सकते हैं, तीन को भी कर सकते हैं, चार को भी, पाँच को भी, और अगर 6 की 6 करनी है वो कम्प्लीट इम्प्रूवमेंट के अंदर आ जाता है। लेकिन आप लोग जो है वो तमाम की तमाम 5 की 5 बुक्स हैं एक सब्जेक्ट को छोड़ कर अगर इम्प्रूव करेंगे तो सब्जेक्ट वाइज इम्प्रूवमेंट की कैटेगरी के अंदर आता है, और इसके अंदर आपको पार्ट वन और पार्ट टू दोनों की दोनों बुक्स हैं वो इम्प्रूव करनी पड़ती हैं। और ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है कि इस्लामियात जो है वो हमारे पास पैरेलल टू पाक स्टडी, मतलब अगर आपके इस्लामियात में से कम है तो आपको पाक स्टडी भी इम्प्रूव करनी पड़ेगी, या फिर अगर आपके पाक स्टडी में मार्क्स कम है तो आपको इस्लामियात की बुक जो है वो भी इम्प्रूव करनी पड़ेगी। तो ये तीन मेथड्स हैं जो कि इम्प्रूवमेंट के रिगार्डिंग जो है वो मेथड्स हैं, ये जिस तरह से आप अपने मार्क्स में वो इम्प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये क्वेश्चन है कि सिलेबस कौन सा फॉलो किया जाएगा। तो सिलेबस जो है वो स्मार्ट सिलेबस फॉलो किया जाएगा, वो किसी भी कैटेगरी के स्टूडेंट्स हों, चाहे वो इम्प्रूवर्स हों, रिपीटर्स हों, फ्रेशर हों, जिस भी कैटेगरी के अंदर हैं, इस साल एक ही पेपर बनेगा और तमाम के तमाम स्टूडेंट जो हैं वो इसी सिलेबस को फॉलो कर रहे होंगे, तो स्मार्ट सिलेबस जो है वो तमाम के तमाम स्टूडेंट्स के लिए होगा। तो जो दूसरा क्वेश्चन मोस्टली स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि कौन सा सिलेबस जो है वो फॉलो किया जाएगा, तो वो स्मार्ट सिलेबस ही जो है वो फॉलो किया जाएगा तमाम के तमाम इम्प्रूवर्स, रिपीटर्स, स्टूडेंट्स, जिस भी कैटेगरी के अंदर आप लोग जो है वो आ रहे हैं। थर्ड तो ये जो थर्ड कैटेगरी क्वेश्चन की आती है वो हमारे पास ये कैटेगरी है कि ग्रेस मार्क्स की कन्फ्यूजन जो है वो बहुत ही ज़्यादा बच्चों के जहन में है, तो इसको मैं क्लियर करने की कोशिश करता हूँ आप लोगों के लिए। सपोज आप लोगों के एडिशनल जो 13 मार्क्स में इंक्लूड करके आप लोगों के मार्क्स हैं वो 980 हैं, मीन टू से कि आपके जो ओरिजिनल मार्क्स हैं वो 967 हैं, अगर आपके वो 13 जो एडिशनल मार्क्स हैं वो निकाल दिए जाएँ तो ओरिजिनल मार्क्स हैं वो 967 हैं। आप क्या चाहते हैं, आप फिजिक्स का पेपर जो है वो इम्प्रूव करना चाहते हैं, और फिजिक्स का पेपर इम्प्रूव करने से पहले सपोज करें आपके मार्क्स हैं वो 70 पार्ट 1 में थे, 70 पार्ट 2 में लगे, और 25 मार्क्स जो हैं वो आप लोगों के आ जाते हैं प्रैक्टिकल्स में से आए हुए हैं, तो 165 आपके मार्क्स जो हैं वो ऑलरेडी इम्प्रूवमेंट से पहले हैं, तो आप इम्प्रूव करते हैं सब्जेक्ट को और आप जो मार्क्स हैं वो 81 पार्ट 1 में कर लेते हैं, 81 पार्ट 2 में, और 28 मार्क्स हैं वो आपके प्रैक्टिकल में लग जाते हैं, तो आपके 190 मार्क्स हैं वो हो जाते हैं, मीन टू से आपने 25 मार्क्स हैं वो इम्प्रूव कर लिए हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि आपके नए मार्क्स कौन से होंगे, 980 प्लस 25 1005 हो जाएंगे, या फिर वो जो 13 एडिशनल मार्क्स थे उनको आप एक्सक्लूड कर देंगे तो 967 प्लस 25 होंगे तो 992 मार्क्स होंगे।
तो यहाँ पे बेसिकली मैं आप लोगों की कन्फ्यूजन दूर कर देता हूँ। तो आपके जो ओरिजिनल मार्क्स होंगे वो 967+25 इज इक्वल टू 992 वाले मार्क्स ही आपके कंसीडर किए जाएंगे। बेसिकली रूल ये होता है कि आप लोगों के जो भी मार्क्स ऑलरेडी मौजूद हैं, आप इम्प्रूव करने के बाद आपका एक मार्क भी इंक्रीज हो जाता है तो आपके मार्क्स बढ़ा दिए जाते हैं, नहीं तो आपके SHS मार्क्स हैं वो वही आपको अवार्ड किए जाते हैं। तो अगर आपके 980 मार्क्स ऑलरेडी हैं इम्प्रूवमेंट वाले एडिशनल मार्क्स डाल के और आप फर्दर इसको इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं और आपके मार्क्स 980 से इम्प्रूव नहीं होते तो वो आपके वही मार्क्स लगेंगे। लेकिन अगर आपके इम्प्रूवमेंट्स के बाद 980 से मार्क्स से ज़्यादा होते हैं तो आपको नए वाले मार्क्स हैं वो अवॉर्ड कर दिए जाएंगे। वो जो 13 एडिशनल मार्क्स है कोविड सीन वाले वो आप लोगों के निकाल दिए जाएंगे, वो आप लोगों के फिर जो है वो हाथ में नहीं रहेंगे। तो ये वाली क्वेरी जो है वो आई होप सो कि आप लोगों की जो है वो काफ़ी हद तक क्लियर हो चुकी होगी। यहाँ पे मैं रिकमेंड करना चाहूँगा कि वो तमाम के तमाम स्टूडेंट जिनके 1000+ मार्क्स हैं और वो चाहते हैं कि वो मार्क्स को इम्प्रूव करें तो किसी ऐसे सब्जेक्ट को इम्प्रूव करें जिनके अंदर मार्जिन जो है वो 25-20 मार्क्स का हो। ऐसा ना हो कि वो 10 मार्क्स वाला सब्जेक्ट जो है वो इम्प्रूव कर रहे हो, क्योंकि अगर 10 मार्क्स वाला सब्जेक्ट आप इम्प्रूव कर रहे हो तो आप कि वो जो 13 एडिशनल मार्क्स हैं वो पहले एक्सक्लूड हो जाएंगे तो वही आपके इंक्रीज होंगे, उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर आप लोगों का मार्जिन 10 से 15 मार्क्स एडिशनल मार्क्स वाले निकाल कर भी बढ़ रहा हो 15-20-25 नंबर का तो फिर आप लोग इम्प्रूवमेंट के लिए जाएं जो 1000+ वाले हैं। अगर आपका वो वाला सही नहीं बन रहा तो आप बेशक एन एम बी कैट की तैयारी ही जो है वो अपनी आराम से कर सकते हैं। तो ये चीज़ क्लियर कर लें, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ कि आपके 13 एडिशनल मार्क्स हैं वो नेक्स्ट ईयर ये नहीं होगा कि आपके कोविड सीन में 980 लगे हैं तो आप अगर इम्प्रूव करते हैं 25 मार्क्स या जितने भी मार्क्स इम्प्रूव करते हैं तो उसी में ऐड किए जाएंगे, नहीं आपके वो 13 मार्क्स एक्सक्लूड हो जाएंगे और 967 मतलब जो 967 निकाल लेंगे और उसी में आपके जितने भी इम्प्रूव मार्क्स हो रहे हैं उसको जो है वो हम लोग ऐड कर देंगे। नेक्स्ट जो है हमारे पास स्टूडेंट आ जाता है कि क्या 2020 इम्प्रूवर जो है वो दोबारा से इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि रूल हमारे पास ये होता है कि इम्प्रूवर्स का सिर्फ एक ही चांस होता है। वो बच्चे जिन्होंने 2019 के अंदर FSC की और उन्होंने 2020 के अंदर जो था वो इम्प्रूव के लिए अप्लाई किया था लेकिन उन्होंने इम्प्रूव के एग्ज़ाम्स नहीं दिए, उनको सिर्फ कोविड-19 पेंडेमिक सीन के जो भी उन्होंने क्लासिफिकेशन की हुई थी उसी के अकॉर्डिंग जो है उन्होंने मार्क्स हैं वो अवार्ड किए हुए हैं। तो इस दफ़ा रूल ये है कि जो 2020 के इम्प्रूवर्स थे वो अपने पुराने मार्क्स हैं वो कैंसिल करवा के दोबारा से जो है वो पेपर दे सकते हैं और अपने मार्क्स को फर्दर इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आई होप सो कि आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा कि 2020 के स्टूडेंट जो हैं वो भी इम्प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि अप्लाई किस तरह से करना है इम्प्रूवमेंट वाले जो स्टूडेंट्स हैं, क्या उन्हें बोर्ड ऑफिस जाना पड़ेगा, क्या उन्हें कॉलेज की तरफ से एडमिशन भेजेंगे। ये वाला जो क्वेश्चन है ना काफ़ी बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं तो आइए इस चीज़ को जो है वो क्लियर करने की कोशिश करते हैं। इसके लिए हम लोग जो है वो वेबसाइट ही देख लेते हैं कि वहाँ से हम लोग जो है वो इस चीज़ को किस तरह से जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। लेट्स मूव टू द वेबसाइट बाइस लाहौर की हम लोग जो है वो वेबसाइट देख लेते हैं। जी, तो आपने सबसे पहले जो है वो 22 लाहौर को जो है वो ओपन कर लेना है। अपने अपने बोर्ड का जो रिस्पेक्टिव साइट है उसके ऊपर आप जो आप लोग जाके जो है वो देखें। तो अगर मैं 22 लाहौर की बात करूँ तो अगर हम लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे पहली ही ऑप्शन जो है वो ये है कि रेगुलर एडमिशन, HSSC एनुअल एग्ज़ाम और प्राइवेट एडमिशन। तो ये मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि पोर्टल फॉर द ऑनलाइन एडमिशन जो है वो हमारे पास एक्टिव हो चुके हैं। इसके अलावा दूसरी अपनी ट्वीट के अंदर 22 लाहौर ने बताया वो है डेट्स आ चुकी हैं कि सिंगल फीस के साथ क्या लास्ट डेट है, डबल फीस के साथ, ट्रिपल फीस के साथ और क्या क्या प्रोसीजर जो है। यानी हम लोग अपने मकसद की तरफ चलते हैं, हमारा जो यहाँ पे हम लोग अप्लाई किस तरह से कर सकते हैं प्रूफ के लिए जो कि बच्चों के जहन में है कि उन्हें कॉलेज के अंदर जाना पड़ेगा या फिर बोर्ड ऑफिस के अंदर जाना पड़ेगा। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जब आपने प्राइवेट के ऊपर क्लिक करना है तो उसके बाद जो आपके पास वेब ओपन होगी उसके अंदर आपने यहाँ पे अदर एग्जाम ऑप्शंस के ऊपर जो है वो क्लिक करना है। तो यहाँ पर ये इन चीज़ों से आपका कोई भी कंसर्न नहीं है। एडिशनल के अंदर क्या होगा कि एडिशनल का मकसद ये होता है कि अगर आपने पहले मैथ रखी हुई है, आपने बायो का पेपर देना है या फिर बायो रखी हुई थी मैथ का पेपर देना है उसके लिए होता है। और अगर आप मार्क्स इंप्रूवमेंट के अंदर देखें तो यहाँ पे जो है वो आपका आ जाता है कि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि 3 तरीके होते हैं इम्प्रूव करने के। आप पार्ट 1 के लिए इम्प्रूव कर सकते हैं, पार्ट 2 कर सकते हैं, पार्ट 1 और 2 दोनों कर सकते हैं या सब्जेक्ट वाइज। वो सब्जेक्ट वाइज करना है तो आप यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज के ऊपर क्लिक कर देंगे। सब्जेक्ट वाइज के ऊपर क्लिक करने के बाद आप लोग नीचे आएंगे, यहाँ पे अपना प्रीवियस एग्जाम रोल नंबर जो है वो यहाँ पे पुट करेंगे। मैंने तो कोई एग्जाम नहीं दिया इस वजह से मैं यहाँ पे कोई भी रोल नंबर पुट नहीं कर सकता। यानी हाँ, आप लोग यहाँ पे अपना प्रीवियस एग्जाम रोल नंबर जो है वो पुट करेंगे और उसके बाद यहाँ पे आप प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद आपके सामने एक फॉर्म
ओपन हो जाएगा, आपने उस फॉर्म को जो है वो फिल करना है, जो जो रिक्वायरमेंट्स वहाँ पे आपको गिवन होंगे अपने उन तमाम रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग जो है वो अपना फॉर्म को फिल कर लेना है। फिर लास्ट पे आपने क्या करना है, आपने आपको एक वाउचर जो है वो प्रिंट निकलवाने को कहा जाएगा, आपने वो निकाल के HPL के किसी भी ब्रांच के अंदर जो है वो अपनी फ़ी जो है वो सबमिट करवा देनी है। वो वहाँ पे लिखा होगा कि आप किन के अंदर जो है वो सबमिट करवा सकते हैं फ़ी जब आप फॉर्म ओपन करेंगे, तो वहाँ से आप जब HPL के अंदर जाके अपनी फ़ी सबमिट करवा देंगे तो आपका ऑटोमेटिकली जो है वो आपका एडमिशन जो होगा वो सबमिट हो चुका होगा, आप लोग जो है वो फ़ी पेपर देने के लिए जो है वो एप्लीकेबल होंगे। ये चीज़ फिर आप लोगों का जो रोल नंबर स्लिप वाला इशू होगा वो जहाँ पे आप लोग अपने इस फॉर्म के ऊपर एक पोस्ट कोड लिख देती हैं कि आपको यहाँ पे पोस्ट आ रहा है, तो आपको उसी पोस्ट के ऊपर जो है जो आपने पता दिया हुआ होगा, एड्रेस दिया होगा वहाँ पे, तो उसी एड्रेस के ऊपर जो है वो आपको आपकी रोल नंबर स्लिप जो है वो एग्ज़ाम से हफ्ता 2 हफ्ते पहले जो है वो पहुँच जाएगी। तो उसके लिए ये करते हैं बच्चे कि हम लोग जब 1 हफ़्ता रह जाता है तो हम लोग 1 हफ़्ता या 2 हफ़्ते तो हम लोग डेली जो है वो जो आपने एड्रेस दिया होता है यहाँ पे पोस्ट आनी होती है, तो आप वहाँ से जाके पूछ सकते हैं। तो जिस दिन भी आपकी पोस्ट वगैरह आई होगी तो आप लोग वहाँ से जाके जो है वो पोस्ट वगैरह से अपनी फी जो रोल नंबर स्लिप है वो ले सकते हैं, और आप लोग अपनी एग्जाम के अंदर जो है वो अपेयर हो सकते हैं। ये चंदे क्वेश्चन थे जो कि स्टूडेंट्स बार बार पूछ रहे थे इम्प्रूवमेंट के रिगार्डिंग। आई होप सो कि मैंने तमाम के तमाम आप लोगों की क्वेरीज हैं वो इसके रिगार्डिंग क्लियर करने की कोशिश की है। स्टिल अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर माई साइड, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।